हेलो एवरीवन वेलकम टू कॉन्साब मेरा नाम धर्मेंद्र है आज हम बात करेंगे कि कौन सी एसेट कैटेगरी सबसे बढ़िया होती है रिटर्न्स के लिए ठीक है ये जानना बिल्कुल ज़रूरी है बिकॉज जब हम म्यूचुअल फंड कोई भी म्यूचुअल फ़ंड स्कीम लेते हैं तो म्यूचुअल फ़ंड जो फंड हाउस होता है आप देखोगे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के यूनिट बाय करते हैं और उसी सब यूनिट्स में उसी सब इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है ठीक है तो हमें ये जानना जरूरी है क्योंकि अगर ये बायोफोकेशन हम कर लेंगे कि कौन सा एसेट कैटेगरी अच्छा है तो उस हिसाब से हम किसी म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर सकते हैं कि ये मुझे जो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है उतना दे पाएगा या नहीं ठीक है चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से हम म्यूचुअल फंड को बायोफोकेट करेंगे ठीक है तो अगर मैं कोई म्यूचुअल फंड अगर मैं इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम में मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ ठीक है तो मान लीजिए मैं जितना भी पैसा दे रहा हूँ मान लीजिए मैं थर्टी थाउजेंड एवरी मंथ में इन्वेस्ट करता हूँ ठीक है तो अगर थर्टी थाउजेंड इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम होती है ठीक है इक्विटी रिलेटेड होती है डेट रिलेटेड होती है ठीक है हाइब्रिड होती है ऑल राइट बहुत सारी स्कीम्स होते हैं ठीक है थीके? तो हमें यह देखना जरूरी है कि जो म्यूचुअल फंड है वो कौन से कैटेगरी में मेजरली इन्वेस्ट करता है बिकॉज मुझे देखना है कि म्यूचुअल फंड मुझे 20-25 साल के लिए मैंने होल्ड करना है ठीक है तो 20-25 साल में वो मुझे उतना रिटर्न दे पाएगा कि नहीं क्योंकि ये जितने इंस्ट्रूमेंट हैं ये प्रेडिक्टेबल होते हैं कि नहीं ये मुझे चेक करना है ठीक है तो मैं बारी बारी देखूंगा कि ये जो जितने भी मैंने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर देखे हैं प्रेडिक्टेबल है कि नहीं क्योंकि अगर मेरा प्रडिक्शन एनालिसिस के हिसाब से अगर मेरा प्रडिक्शन सही है ठीक है तो ही मुझे मेरा रिटर्न मिल सकता है जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ठीक है तो अगर मैं कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम अगर मैं ले रहा हूँ और मान लीजिए उसका 12 से 15 परसेंट का रिटर्न वो बताते हैं ठीक है तो ये टोटली totally डिपेंड करता है कि वो कौन से एसेट में डाल रहे हैं एसेट क्लास क्या है ठीक है मतलब कैटेगरी क्या है और यह भी होता है कि कितना पार्ट है कितना पोर्सन उसमें जा रहा है ठीक है मेजरली जो स्कीम होता है हम <coughs> सॉरी आप देखोगे 60 40 परसेंट होता है 70 30 होता है 80 20 भी होता है वो आप देखोगे कि किस तरीके से कितना परसेंटेज उसमें इन्वेस्ट हो रहा है ठीक है तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ज्यादा प्रेडिक्टेबल होगा और उसके हिसाब से मुझे कौन सा ऐसा स्कीम देखना चाहिए जिसमें वो एसेट ज्यादा है <coughs> I'm sorry. तो चलिए देखते हैं ओके okay. ठीक है तो मेरा मेजर सवाल यही है कि कौन सा एसेट कैटेगरी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है ओके जस्ट नेट मेरा मेजर सवाल यही है कि कौन सा कैटेगरी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है विश विच एसेट कैटेगरी इज मोर प्रेडिक्टेबल मोस्ट प्रेडिक्टेबल ठीक है तो पहले एसेट कैटेगरी देख लेते हैं कौन कौन सा एसेट है हमारे पास तो एसेट कैटेगरी में देखिए गोल्ड है फिक्स डिपोजिट्स है बॉन्ड्स है रियल स्टेट्स है और उसके बाद मैंने एक्विटी भी लिया है ठीक है क्योंकि ये मैंने एसेट कैटेगरी से लिया है क्योंकि ये मेजर कैटेगरी है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है ठीक है और भी सारे हैं ठीक है जैसे करेंसीज हो गया और आ, बाकी भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं बट मेजरली आप देखोगे इसमें इन्वेस्टमेंट होता है ठीक है तो बारी बारी हर एक को चेक करते हैं तो जैसे गोल्ड हो गया ओके तो अगर मैं गोल्ड को देखूं ठीक है गोल्ड में आप देखोगे कि ज़्यादातर हम ऑर्नामेंट्स के लिए लेते हैं सोवेरियन गोल्ड गोल्ड्स सो बहुत कम लोग बाय करते हैं तो इसका अगर आप चेक करोगे तो लैक ऑफ कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस दिया है चाहे आप आ, इंडियन मार्केट में देख लीजिए चाहे फॉरेन मार्केट में देख लीजिए कई सालों तक तकरीबन दो दशक तक ठीक है मैं कहूंगा टू डेकेट्स तक गोल्ड ने परफॉर्मेंस नहीं दिया था अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था ठीक है आप देखोगे कि जो यूएस में है वो 1980 से लेके अर्ली 2000 तक उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया साढ़े आठ सौ डॉलर था वहां से गिर के वो ढाई सौ तीन सौ डॉलर पर पहुंच गया तो इससे पता चलता है कि जो गोल्ड है वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उसने नहीं दिया इवन इंडियन मार्केट में भी देखोगे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हार जो हाल के दिनों में उसने कुछ परफॉर्मेंस दिया एक एक बार में वो बहुत ऊपर जाता है फिर वहाँ से सस्टेन करता है कई साल तक सस्टेन करता है थोड़ा सा नीचे आता फिर ऊपर जाता है तो मतलब मैं बोलूँ कि इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है तो अगर कंसिस्टेंसी ही नहीं है तो मैं जो पंद्रह बीस साल पंद्रह बीस साल बीस पच्चीस साल के लिए जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कैसे अनुमान लगा सकता हूँ कि गोल्ड मुझे उतना अच्छा रिटर्न दे सकता है ठीक है तो मुझे एक जो प्रडिक्टेड अमाउंट रहता है जो मेरा फ्यूचर है जिसके जिसके हिसाब से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा एसेट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है और उसमें गोल्ड नहीं है दूसरा डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ऑफकॉर्स अगर गोल्ड की डिमांड रहेगी तो ही उसका प्राइस ज़्यादा बढ़ता है और सप्लाई भी उसके हिसाब से होना चाहिए ठीक है पूरे तरीके से ये डिमांड एंड सप्लाई पे निर्धारित करता है पूरे उसी पे आप देखोगे निर्भर है ठीक है दूसरा कैनॉट बीट इन्फ्लेशन ऑफकोर्स आप देखोगे गोल्ड का जो रिटर्नस है वो आप देखोगे बहुत ज़्यादा गया है तो वो टेन परसेंट गया है बट ऑन एन एवरेज वो नाइन एट परसेंट तक ही सीमित है ठीक है ऑन एन एवरेज नाइन परसेंट तक ही सीमित है तो जो हमारा इन्फ्लेशन है वही कुछ छः सात परसेंट तक चला जाता है तो ये उसको बीट नहीं कर पाता है ठीक है जो भी महंगाई है आप देखोगे जो कमोडिटीज़ के जो प्राइज़ हैं जो भी ग्रॉसरीज के प्राइज़ हैं कुछ भी आप ले लीजिए जो आज से दस साल पहले थे ठीक है आज वो नहीं है तो ये डिफरेंसेस मुझे दिख रहा है तो ये इन्फ्लेशन को बीट बिल्कुल नहीं कर सकता है आउटकम ठीक है आउटकम अच्छा आ सकता है आउटकम इज़ गुड बिकॉज हम कितनी बार इन्वेस्ट करते हैं ठीक है तो आगे जाके उसको बेचते हैं तो मतलब ठीक ठाक मिल जाता है ये होता है कि डेप्रीशिएट नहीं हो रहा है ठीक है इंस्ट्रूमेंट डेप्रीशिएट नहीं हो रहा है तो इसलिए आउटकम उसको हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक है ठीक है मैंने यहाँ पर गुड लिखा है बट ठीक ठाक मैं कह सकता हूँ फेयर कह सकता हूँ ठीक है कहीं कहीं पर जगह पर आउटकम अच्छा मिलता है जब उसके डिमांड ज़्यादा है ये जो आउटकम है ये भी डिपेंड करता है कि उस उस टाइम पे डिमांड एंड सप्लाई क्या चल रही है ठीक है तो ये था हमारा गोल्ड का ओके uh, गोल्ड okay, का एक्सप्लेनेशन ठीक है नेक्स्ट आता deposit, है फिक्स डिपॉजिट ठीक है फिक्स डिपॉजिट प्रेडिक्टेबल है ठीक है क्योंकि फिक्स डिपॉजिट मुझे सात साढ़े सात परसेंट मैक्सिमम अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको आठ वो दे सकता है ठीक है तो इसलिए प्रडिक्टिबल है ऑल दूसरा मैं इसमें देखूंगा कंपाउंडिंग अगर इसका कंपाउंडिंग देखोगे तो कंपाउंडिंग आपको मिल जाता है कि सात आठ परसेंट लेकिन सात आठ परसेंट में आपको क्या कंपाउंडिंग देगा अगर आप कैलकुलेटर निकालोगे तो सात आठ परसेंट में जो वो आपको कंपाउंडिंग दे रहा है उससे बढ़िया कंपाउंडिंग आप देखोगे नॉर्मली आप एक छोटा सा बिजनेस ओपन करते हो या फिर उससे बढ़िया कंपाउंडिंग आप देखोगे नॉर्मल कहीं पर भी आप जाके इन्वेस्ट करते हो तो आपको वहां पर मिल जाता है ठीक है किसी भी एसेट कैटेगरी में तो इतना अच्छा कंपाउंडिंग नहीं होता सात आठ परसेंट में अच्छा कंपाउंडिंग नहीं होता है एक इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी है कि इसमें टी सब कटता है फिर ऊपर से आप देखोगे कि इनकम स्लैब में आता है तो आपको उस पर टैक्स भी लगता है तो यहाँ पर आप मैं ये कहूँगा कि इसमें कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ठीक है दूसरा तीसरा सॉरी तीसरा कैन कैनॉट बिट इन्फ्लमेशन ऑफकोर्स इन्फ्लेशन आप देखोगे कई बार 10 परसेंट तक भी चला जाता है ठीक है जो चीजें आज दस रुपए में मिल रही थी नेक्स्ट ईयर वो ट्वेल्व रुपीज में मिलती है और वहीं पर आप अगर फिफ्ट फिक्स डिपोजिट देखोगे तो ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेगा बिकॉज ये उतना अच्छा रिटर्न आपको नहीं दे रहा है ठीक है रीजन यही है यहां पर यह अच्छा रिटर्न आपको नहीं देगा ठीक है चलिए तीसरा देखते हैं बॉन्ड्स ठीक है बॉन्ड्स फिक्स डिपोजिट के जैसा ही होते हैं लेकिन आप देखोगे ये सिक्योरिटीज होती है जो गवर्नमेंट भी ऑफर करती है बैंक्स भी ऑफर करते हैं और कॉरपोरेशन भी ऑफर करता है ठीक है तो गवर्नमेंट जो है वो आपको थोड़ा आ, से मतलब थोड़ा नहीं ज़्यादा सबसे सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है लेकिन उसका यील्ड बहुत कम होता है वो सेवन परसेंट एट परसेंट फिक्स डिपोजिट के बराबर ही देता है उससे ज़्यादा नहीं देता है ठीक है वहीं पर आप बैंक के पेपर्स देखोगे तो बैंक थोड़ा सा उससे ज़्यादा दे, दे दे मतलब आधा परसेंट एक परसेंट ज्यादा दे दे उससे ज़्यादा नहीं देगा वहीं पर आप कारपोरेट बॉन्ड अगर लेने जाओगे तो कॉरपोरेट बॉन्ड आपका डिपेंड करता है ठीक है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड आपको आठ नौ परसेंट बारह परसेंट तेरह परसेंट भी देता है कोई कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड तो आपको पंद्रह परसेंट भी देता है लेकिन सॉल्वेंसी का इश्यू आता है ठीक है मतलब ये है कि वो जो जो कॉरपोरेशन जो पैसा रेस करना चाह रहा है बॉन्ड्स के थ्रू वो मतलब सॉल्वेंट है कि नहीं मतलब वो वापस पैसा दे पाएगा कि नहीं ठीक है ये भी डिपेंड करता है कि जो क्रिसल का रेटिंग है उस बॉन्ड के लिए क्या है बिकॉज अगर कंपनी वापस आपको पैसा ही नहीं दे पाएगी तो बॉन्ड लेके मतलब ही नहीं है वो बॉन्ड लेगा पैसा डूब जाता तो हमारा पैसा डूबेगा जो इन्वेस्टर्स है उनका तो उसमें अगर आप 15-16 परसेंट के हिसाब से जा रहे हो तो बहुत रज बहुत ज़्यादा रिस्की बॉन्ड ले रहे हो आठ नौ परसेंट ठीक रहता है ठीक है अगेन आठ नौ परसेंट आपका वापस से एफ के पास आ जाता है ठीक है फिक्स डिपोजिट से थोड़ा ही बढ़ा है ज़्यादा कुछ नहीं है और राग? और जो यहाँ पर मैंने आपको बात की थी कि ये बॉन्ड फेसेस इंसॉल्वेंसी इशू तो वो मैंने आपको बता दिया चौथा है आपका कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा कैपिटल लगता है ठीक है दस लाख बीस लाख तीस लाख पचास लाख ठीक है आपके पास एक बहुत बड़ा कॉर्पस है बहुत ज़्यादा फंड है तो आपको बॉन्ड अच्छा रिटर्न दे सकता है बट कम फंड में आपको वो रिटर्न लेके कुछ नहीं मिलने वाला ठीक है दस लाख से कम की वैल्यू उसमें बॉन्ड्स में डालेंगे आपको रिटर्न कुछ फायदा है नहीं ठीक है दस लाख से ज़्यादा है तो वहाँ पर हम बॉन्ड्स में जा भी सकते हैं बट अगेन मैं ये कहूँगा कि अगर आप लंबे टाइम के लिए देख रहे हो तो वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता है क्योंकि पहली बात है कि उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है रेट ऑफ रिटर्न है वो कम है ठीक है दूसरा रिस्की वाला जो बॉन्ड है उसमें इंसॉल्वेंसी का इशू आता है ठीक है सॉल्वेंसी का इशू आता है और राइट सो बॉन्ड्स हो गया अभी आता है रियल स्टेट ठीक है तो बॉन्ड्स अगर हो गया तो अभी रियल स्टेट में देखते हैं रियल स्टेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये आप देखो कि लॉट्स ऑफ चैलेंजेस है इसमें चैलेंजेस क्या क्या है पहली बात है कि अगर किसी शहर में रियल स्टेट प्रॉपर्टी बन रही है तो वो पहली पहला बात है कि कमर्शियल है कि रेजिडेंशियल है सबसे बड़ा सवाल ये होता है क्योंकि कमर्शियल में आपको रिटर्न अच्छे मिल सकता है आठ नौ परसेंट तक मिल सकता है जो रेजिडेंशियल है उसमें बहुत ज़्यादा मिलेगा तो वो चार परसेंट मिलेगा जो बैंक का सेविंग रेट भी है तो इससे अच्छा सेविंग हम सेविंग्स सेविंग्स में क्यों ना इन्वेस्ट करें क्यों हम प्रॉपर्टी में जाए आप एक करोड़ डाल के आप मुश्किल से चार लाख ही रिटर्न कर पा रहे हो ठीक है तो यहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये आता है दूसरा कहीं पर भी अगर जमीनें खरीदी गई है प्रॉपर्टी खरीदी गई है तो आप देखोगे फ्रॉड बहुत होता है तो एक ये इशू आ जाता है ठीक है तो कंपनी जो इन्वेस्ट करती है ठीक है अगर म्यूचुअल फंड भी अगर मान लीजिए किसी ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है जो रियल स्टेट में डील करता है पता चला उसमें बहुत सारा फ्रॉड हो गया ठीक है हमने केस सुना था डीएलएफ का ठीक है डीएलएफ का उस टाइम पे डीएलएफ के शेयर बहुत गिरे थे गुड़गांव के यहाँ का कुछ केस आए थे ठीक है बहुत से जो एसेट कंपनीज हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर उन्होंने जो प्रॉपर्टी चुन रहे हैं वो डिस्प्यूटेड है ठीक है केसेस बहुत सारे हैं तो सबसे बड़ा वहाँ पर प्रॉब्लम आता है उनको क्योंकि ये लंबा चलता है कोर्ट केसेस हैं तो उनको इशू आ जाता है कि वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट बनेगा नहीं जब तक बनेगा नहीं उनको पैसा नहीं आएगा और वहां पर देखोगे कंपनी की वैल्यू भी आगे नहीं बढ़ती है ठीक है डिस्प्यूट्स रहते हैं एक ही प्रॉपर्टी के लिए दो तीन लोग रहते हैं तो उसमें भी डिस्प्यूट बढ़ता रहता है तो ये सारी चैलेंजेस रियल स्टेट फेस करती है ठीक है प्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट टू लोकेलिटी ठीक है ये भी है कि अगर किसी पर्टिकुलर अच्छे लोकेशन में जैसे मुंबई शहर है दिल्ली सिटी है चेन्नई है अगर किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी पे है तो आप जानते हैं कि इस पर्टिकुलर लोकेलिटी की कीमत बहुत ज़्यादा है लोकेलिटी बहुत अच्छा है तो वहाँ पर कीमत बढ़ती रहती है तो वहां पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेकिन दूर दराज में इन्होंने अपना प्रोजेक्ट बनाया है लेकिन कोई उनके प्रॉपर्टी का बायर ही नहीं है तो आप कैसे प्रेडिक्ट कर पाओगे ठीक है तो वहां पर यह होता है कि आपका लोकेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है क्वाइट चैलेंजिंग वाइल सेलेक्टिंग लोकेलिटी ठीक है हर एक जगह लोकेलिटी जो है वहां पर सेलेक्शन में प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ लॉ बहुत सारे कानून होते हैं कि आप ये जमीन नहीं ले सकते वो जमीन नहीं ले सकते ये जमीन केस में है यहाँ पर भी ले तो एफ एस आई उतना चाहिए होना चाहिए तो बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज एंड गाइडलाइंस है तो वो आप देखोगे कि से लोकेलिटी सिलेक्शन में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आता है ठीक है कैपिटल इंटेंसिव ऑफकोर्स ज्यादा कैपिटल लगता है ठीक है कैपिटल इंटेंसिव अगर आप रियल स्टेट में जा रहे हो एक ही साथ आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है ठीक है कैन नॉट बी हेज इसको हैज ही नहीं कर सकते हो राइट कि मैं इसके अगेंस्ट कुछ बाय कर लेता हूं जो इसको हैज कर लेगा प्रॉपर्टी के अंग्रेस आपको प्रॉपर्टी बाय करनी पड़ेगी और अगेन वो आपको कैपिटल इंटेंसिव है जो लॉस वो आपका लॉस ही रहेगा उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है फिर आता है जोग्राफिक जोग्राफिक स्पेसिफिक ठीक है ज्योग्राफिकल स्पेसिफिक होता है बिकॉज कोई अच्छे मेट्रो शहर में है तो आपको रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं या कोई ऐसा जो हम कहेंगे जैसे बाजार होता है चौराहा होता है अगर किसी ऐसी जगह पर लो, लोकेलिटी है जिसका डिमांड है तो वहाँ पर आपको अच्छा प्राइस मिल सकता है और रिटर्नस भी अच्छे मिल सकते हैं लेकिन ऐसी जगह पर लोकेलिटी है जो ज़्यादा मतलब बोलेंगे ना ज़्यादा फेमस नहीं है या फिर आ लोगों का आना जाना कम है और हम ये भी कहेंगे डिस्प्यूटेड है या फिर हम देखेंगे वॉर टन कंट्री बहुत ज़्यादा वॉर हो रहे हैं वहाँ पे ठीक है तो वो एक प्रॉब्लम आ जाता है ठीक है सो रियल स्टेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये जोग्राफिक स्पेसिफिक होता है तो वो एक इशू होता है ठीक है तो हमने ये देखा रियल स्टेट क्या होता है लास्ट आता है आपका इक्विटी इक्विटी मोस्ट प्रेडिक्टेबल होता है बिकॉज इसके सारे डेटा आपके सामने होते हैं कि कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दे रही है उसके फाइनेंशियल्स क्या है कंपनी का अनाउंसमेंट क्या है क्योंकि आप देखोगे जो पब्लिक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज होती है दे आर वेल रेगुलेटेड से भी जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इनको रेगुलेट करती है आर जो फाइनेंस को रेगुलेट करता है तो चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आप देखोगे कि कहीं पर कॉरपोरेशन भी क्लोज हुआ है तो बहुत कम हुआ है मतलब वन परसेंट भी नहीं है वो ठीक है लेस देन वन परसेंट ईजी इजिली ट्रांसफरेबल होता है ऑफकोर्स शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं ठीक है तो हमने कि अपने शेयर्स किसी और को दे दे वो भी ट्रांसफर ट्रांसफरेबल होते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है दूसरा आउट परफॉर्म्स एवरी इंस्ट्रूमेंट इक्विटी से बड़ा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो किसी आ, किसी भी आ, मतलब जो इक्विटी को आउट परफॉर्म कर ले या बाकी को आउट परफॉर्म कर ले इक्विटी सबको आउट परफॉर्म करता है तो इसके लिए आसान है इन्फ्लेशन को बीट करना क्योंकि कई बार आपने देखा है कि जो स्टॉक है वो एक ही साल में 50 50 परसेंट रिटर्न दिया कोई स्टॉक 100 परसेंट भी रिटर्न दिया है ठीक है तो इक्विटी आसानी से बीट कर सकता है सोर्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ बहुत से लोगों का पैसा लगा हुआ है बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में ठीक है कम पैसे से भी इन्वेस्ट कर सकते हो एस एस पी से भी कर सकते हो धीरे धीरे करके आपका इनकम भी होता है इनकम इन देंस अगर आपने कोई प, ये पी जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट हो गया जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होती है यहाँ पर अगर आपने इन्वेस्ट किया है, तो वहां से आपको डिविडेंड भी मिलता है तो बहुत सी कंपनियां डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं तो आपको इनकम मिलता है और शेयर के वैल्यू बढ़ रहे हैं तो आपके लिए वेल्थ क्रिएट होता ही है ठीक है तो ये था हमारा सेशन कि मोस्ट प्रेडिक्टेबल एसेट कैटेगरी कौन सी होती है तो आंसर है आपका इक्विटी तो हम कोई म्यूचुअल फंड अगर सेलेक्ट करेंगे तो देखिए कि उसमें इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो ठीक है इक्विटी में भी आप देखिए कि कौन कौन सी कंपनी में कर रहे हैं और वो कंपनी में वो कंपनी को देखिए कि वो कहाँ पर Uh, अपना बिजनेस करती है कहीं वो वापस है देखो कि रियल स्टेट गोल्ड कैटेगरी ऐसा तो नहीं है ठीक है अगर वैसा है तो फाइनेंशियल चेक कीजिए और उसके हिसाब से देखिए कि म्यूचुअल फंड हाउस किस में इन्वेस्ट करता है ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको ठीक है तो ये था हमारा सेशन द मोस्ट प्रेडिक्टेबल एसेट कैटेगरी ओके आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए मैं धर्मेंद्र राजभर आपका धन्यवाद